केंद्र सरकार से मध्य प्रदेश को आर्थिक सहायता राशि जारी करने में भेदभाव के आरोप के साथ कांग्रेस नेता, सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के आवास पर पहुंचे, जहां उनका स्वागत सुबह के नाश्ते के साथ किया गया। आरोप लगाते हुए समस्त कांग्रेस जन विधायक राहुल सिंह जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस यहां पर मंत्री जी को इस बात को लेकर अवगत कराने आई थी कि मध्य प्रदेश का जो हिस्सा बनता है वह आप शीघ्र दिलवाएं, ताकि जो बहुत सी योजनाएं रुक गई हैं, बहुत से कार्य रुक गए हैं, ताकि वह सुचारू रूप से मध्य प्रदेश के अंदर हमारी कांग्रेस सरकार चला सके। माननीय मंत्री जी ने हमसे कहा कि हम ही ऐसे एक सांसद और मंत्री हैं जो ज्ञापन ले रहे हैं, बाकी जगह पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने उनसे पुनः जब अनुरोध किया कि आप केंद्र सरकार में मंत्री हैं तो आप कृपया करके मोदी जी को, जो कि आपके प्रधानमंत्री हैं, उनसे चर्चा करके मध्य प्रदेश का पैसा शीघ्र दिलवा दें। मंत्री जी ने हम लोग को आश्वस्त किया है कि वह इस पर अपनी पार्टी लेवल पर उस पर चर्चा करेंगे, प्रदेश का शिष्टाचार भेंट करेंगे माननीय सांसदों से और उनसे इस बात पर चर्चा करेंगे, ज्ञापन देंगे कि जो मध्य प्रदेश शासन का जो केंद्र द्वारा जो राशि आवंटित होनी है हर एक योजना में, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उस योजना के अंतर्गत जो भी केंद्र सरकार से पैसा रुका हुआ है उसी को लेकर आज ज्ञापन दिया है हम लोगों ने। राज्य शासन की नैतिक जिम्मेदारी है, उसी प्रकार 34 में से 28 सांसद और मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है, तो उनसे चर्चा करके ये आप माननीय मोदी जी से बात करें और जो मध्य प्रदेश का हिस्सा बनता है उसको दिलाएं। उसी चर्चा को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूरी कांग्रेस और मैं स्वतः साहब आके सांसद जी के, माननीय मंत्री जी के निवास पर आकर ज्ञापन दिया और उनसे चर्चा की।